जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डैनियल सेल। तो लेक्चर में क्या होने वाला है, डैनियल सेल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका डायग्राम देखेंगे कि समझने की कोशिश करेंगे कैसा दिखता है और क्या फंक्शन है, फिर हम उसमें केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन और फिर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या है, या मैं बोल दूं कि व्हाट इज डैनियल सेल, तो हम बोलेंगे इट इज एनर्जी। तो क्या है, इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमारा था, मैंने आपको बताया था एक सेल के बारे में, बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैंने लिखा था वहां पर क्या कि इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में बताया था और एक बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसी को अपन ने क्या बोला था, गैल्वेनिक सेल बोला था, याद आ रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनका ही दूसरा नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, डैनियल सेल, जो कि किसका एग्जाम्पल है, गैल्वेनिक सेल का। इसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा, हम कॉन्सेप्ट बना रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, ताकि हम कभी भी इसको क्या नहीं कर सकेंगे, भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। अब हम देखेंगे डैनियल सेल दिखता कैसा है, कुछ ऐसा। ठीक है, क्या होता है, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड डाला, दूसरा कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने दूसरा इलेक्ट्रोड डाला। ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, प्यारा सा इलेक्ट्रोड। ठीक है, दिख रहा है, मेटल का बना होता है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था इलेक्ट्रोड मेटल के ही बने होंगे। आपकी इच्छा हो रही है कि हम तो आज प्लास्टिक का इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये कंडक्टर होना चाहिए, तो मेटल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब इसको अपन ने क्या करा, एक स्विच बना दिया और एक गैल्वेनिक मीटर लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, या वोल्ट मीटर लगा दीजिए, जिससे हमें क्या पता लगेगा कि इसमें कुछ मूवमेंट होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इनके वोल्टेज में डिफरेंस है, या आप इसमें देख सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में जो आपको दे रखा है, हमने क्या करा, एक कंटेनर, दो कंटेनर लिए, दोनों में दो इलेक्ट्रोड लगाए और इनको ऐसे ऐड कर दिया। गॉट इट? आगे चलते हैं। इस कंटेनर में मैंने क्या करा है, कौन सा सॉल्यूशन लिया है, जिंक सल्फेट, एक्वस, AQ का मतलब है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, एंड यहां लिया है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ऐसा कहीं लिखा हुआ आ जाए, किसी भी केमिकल के आगे AQ लिखा हुआ आ जाए, जैसे यहां पे बुक्स में आपको मिलता है, तो आप उसे कैसे रीड करेंगे, क्या समझेंगे इससे, कि इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड एंड इट इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड। यानी इसका मतलब यह है कि हमने वॉटर में H2O जो है उसके अंदर हमने क्या ऐड कर रखा है, एक कंपाउंड कॉपर सल्फेट। हम इसको ऐसे रीड करेंगे, ऐसे जानेंगे कि हमने क्या किया है, जो कॉपर सल्फेट लिया है उसको हमने वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। इधर आइए, हमने इधर वाटर डाला और इस कंटेनर में वाटर डाल के हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, जिंक सल्फेट। तो मैं इस पूरे सॉल्यूशन को, अब सॉल्यूशन बन गया, कि सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा, कॉपर सल्फेट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसमें भी मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद में मैंने क्या करा, इसमें क्या डाल दिया, कौन सा केमिकल, कॉपर सल्फेट, उसको डिसॉल्व कर दिया। तो मैं बोलूंगा कि ये जो पूरा सॉल्यूशन है, जो आपको डैश डैश लिख रहा है, वाटर के अंदर जो डिसॉल्व आप कॉपर सल्फेट है, या इधर क्या है, जिंक सल्फेट, तो मैं इसको बोलूंगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड दिस इज एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। इतना क्लियर? अब आगे मूव करते हैं। देखो, ये रेड कलर का आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा, एक्चुअल में है क्या, ये दोनों कंटेनर को ऐसे ऐड करने के लिए कि यू शेप ट्यूब मैंने इसके अंदर ऐसे डिप कर दिए। ठीक है, और ये जो ट्यूब है उसमें मैंने क्या करा, एक पेस्ट डाल दिया है, क्या, अगार अगार, अगार अगार क्या होता है, पेस्ट लाइक
होता है, पेस्ट जो अपन करते हैं सुबह, हाँ उस टाइप का क्या होता है, मटेरियल होता है। और इसमें मैंने क्या डाल दिया, KCl। क्या डाल दिया इसके अंदर, कौन सा केमिकल, KCl। कई बुक में आपको KBr भी लिखा हुआ मिलेगा, KBr या KCl, जो आपको इच्छा हो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, हमने ले लिया। तो सॉल्ट ब्रिज था ये रेड कलर का, जो इस सॉल्यूशन में भी डिप है और इस सॉल्यूशन में भी डिप है, दिख रहा आराम से। इसमें हमने क्या डाला, अगर अगर पेस्ट होता है ये, और इसमें हमने केमिकल डाला है कौन सा, KCl या KBr। गॉट इट। पेस्ट इसलिए लिया है, अगर मैं इसके अंदर, ये उल्टा है खुला है, अगर मैं पेस्ट नहीं लूंगा कोई केमिकल डालूंगा तो वो तो ढुल जाएगा, चला जाएगा इसके अंदर, तो हमें कुछ इस तरह से लेना है ताकि वो इसके अंदर ही रहे, तो मैंने इसके लिए आपको बता दिया। अब सुनिए, ये जो इलेक्ट्रोड था वो कॉपर का था, ये इलेक्ट्रोड था वो किसका है, जिंक का है। जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये कॉपर इलेक्ट्रोड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डिप है, एंड जिंक जो है वो किस में डिप है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में डिप है। तो इस पूरे प्रोग्राम को, ये जो पूरा डायग्राम मैंने बनाया है, मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा डैनियल सेल। क्या बोलेंगे हम इसको, डैनियल सेल। बात समझ में आ रही है, तो हमने किसके बारे में बात की है, डैनियल सेल के बारे में। अब सुनिए थोड़ा सा इसी को डिस्कस करेंगे, मेन यही है हमारा, जो भी हीरो है आज का वही है, इसको बहुत आराम से स्टडी करेंगे। सुनिए, मैंने बता रखा है कि भैया इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं, दिख रहे हैं क्या, देखो मैंने मेंशन कर रखा है इधर, और हमें पता है कि भैया जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है, इस डायरेक्शन, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये भी कर लिया, अब सुनते हैं, देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं रिएक्शन एट एनोड, सॉरी इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड्स। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको नोट्स भी बना सकें इसके, हो गया। चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, फर्स्ट एनोड, सेकंड कैथोड, या आपकी इच्छा एनोड को फर्स्ट बोल दीजिए या कैथोड को, किसी को भी फर्स्ट सेकंड बोल दीजिए, लेकिन दो होते हैं कैथोड और एनोड। तो सुनिए, मैंने इस डायग्राम में मेंशन कर रखा है एनोड वर्ड, दिख रहा है, और यहाँ मेंशन कर रखा है कैथोड, ये दीजिए, ये देखिए दोनों वर्ड मैंने मेंशन कर रखे। तो सुनिए, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड जो है वो क्या काम करेगा, कैथोड का, और जिंक इलेक्ट्रोड का क्या काम करेगा, एनोड का। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है, दिख रहा है साफ, और नहीं पता है तो दिमाग में डाल लीजिए, जिंक जो है डैनियल सेल में एज ए एनोड वर्क करेगा, डैनियल सेल में कॉपर जो है कैसे रिएक्ट करेगा, कैथोड। अब हम क्या करते हैं, रिएक्शन देखते हैं इलेक्ट्रोड, तो ये दोनों तो हो गए इलेक्ट्रोड्स, यहाँ पे रिएक्शंस होंगी। तो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोड क्या होता है, सॉलिड होते हैं, सॉलिड है, और सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, रिएक्शन यहीं होती है। चलिए चलिए, अब बात करते हैं कि हम किस पे करेंगे, एट एनोड, हम एनोड के बारे में बात करेंगे कि भैया एनोड पर किस तरह की रिएक्शन होती है। चलिए देखते हैं, तो ये रहा हमारा एनोड, तो एनोड पे क्या होगा, जिंक जो है, जिंक जो इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड है हमारा, ये पोर्शन सॉलिड है अभी बताया मैंने, तो ये जो है वो क्या करेगा, जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस में, और टू इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। यानी ये जो रिएक्शन है वो कहां पर होगी, इस वाले इलेक्ट्रोड पर होगी 101%। क्या, जिंक जो सॉलिड फॉर्म में है वो किस में बदल जाएगा, जिंक प्लस टू में, यानी ये जो जिंक है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और Zn प्लस टू भी किस में आ जाएगा, हमारे इस सॉल्यूशन में। तो मैंने इसके आगे लिखा है Aq, मैंने अभी बताया था अगर किसी के भी आगे क्या लिखते, किसी भी केमिकल के आगे में लिख दो Aq या मेटल के आगे लिख दो Aq, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्वा सॉल्यूशन वो वाटर में चला गया, और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, कहां, किस पे हो रहा है, ये एनोड पे। चलो अब थोड़ा सा और बात करते हैं कि भैया एनोड पर हो क्या रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो, बट यहां पर कितना आ गया, प्लस टू,
मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ये जो प्रोसेस है मैं इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन। ध्यान रखिएगा जितने भी लेक्चर डाल रहा हूं वो इंटरलिंक है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। देख लो अब ऑक्सीडेशन वाले भी बात आ गई हमारे सामने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जीरो से क्या हो गया प्लस टू। बट ध्यान रखिएगा ये पॉजिटिव अगर है, ये अगर न्यूट्रल है तो पॉजिटिव में ही इंक्रीज करना है। बात समझ में आ गई, जीरो से कितना हो गया टू, इसका मतलब क्या हो गया इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑब्वियसली बात है। तो हमने क्या बोल दिया, इट इज़ ए ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और ये किस पे हो रहा है, एनोड पे। तो हमें, मैंने आपको ये भी बोला था कि हमेशा हमेशा और हमेशा एनोड पे क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन। चलें आगे, चलो अब बात कर रहे हैं किसकी, कैथोड की। कैथोड में नाराज हो जाएगा, उसको नाराज थोड़ी करेंगे। ये लीजिए कैथोड को कुछ करने के लिए हमने इसको किस में डाल दिया, ग्रीन कलर से डाल दिया, ग्रीन कलर से लिखा है हमने इसको, क्यों, ताकि ये फिर वो गाना गाएगा किसने ये हम पे हरा रंग डाला कुछ कर दिया हमने। चलो इसको बात करते हैं, कैथोड, कैथोड कहाँ का बना भाई, कॉपर का बना है। तो यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी उसको हमको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो कॉपर है, कॉपर जो है वो प्लस टू एक्वस फॉर्म में है, जो कि यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन मिले हैं उसको ले लेगा भैया जी, ले लिया क्या। देखो हर रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी, हमें पता है, कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेगा, कोई देने वाला होगा तभी तो लेने वाला होगा। अब हर कोई देने वाला है कि भाई हम भी देंगे तो ले रहा कौन है, और कोई इलेक्ट्रॉन सिर्फ लेने वाला और देने वाला हो ही नहीं, फिर क्या हो जाएगा। इसीलिए नेचर जो है बैलेंस है, आप देखिएगा अपने आसपास में हर चीज़ बैलेंस है, वैसे ही हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा बैलेंस रखना है कि भैया ये हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है और ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो गया, ये वाला तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है यहाँ से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हो गया, ये किस पे हो जाएगा हमारा, ये जो प्रोसेस रहेगा वो किस पे होगा, ये प्रोसेस होगा हमारा कैथोड पर। सुन लिया, अब मेरे को आप ये बताइए ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, आप तो सिर्फ इतना बता दीजिए। और से देखिए, ये खुद बोलेगा ये बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस टू। इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन नंबर है, नहीं है। आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, तो ध्यान से देखिए, मैंने कोई भी मेटल लिखा सिंगल फॉर्म में, जैसे मैंने आयरन लिख दिया, मैंने लिख दिया कि भैया एल्यूमिनियम लिख दिया, मैंने कुछ भी मेटल लिख दिया M, अगर मैंने इस पर कुछ भी नहीं लिखा है प्लस माइनस कुछ भी, तो आप यही मान के चलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो, शून्य, जीरो। और अगर मैंने कुछ लिख ही दिया है तो फिर वो ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर वो सिंगल है तो इस फॉर्म में। तो बताइए प्लस टू से किस में आ रहा है, जीरो में आ गया भैया, तो इसके ऊपर तो जीरो है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, जीरो, शून्य, दिख रहा है जीरो। तो प्लस टू से जीरो हो गया, तो कम हो रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा, रिडक्शन। रिडक्शन हो गया भैया, बात समझ में आई। चलो तो ये बात हो गई हमारी रिएक्शन की कि भैया एनोड पे क्या होगी और कैथोड पे क्या होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट रिएक्शन क्या होगी, तो कंप्लीट रिएक्शन लिख लेते हैं। देखिए जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर प्लस टू फॉर्म में, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस जिंक प्लस टू एक्वस सॉल्यूशन, और ये कॉपर सॉलिड, ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई हमारी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने इलेक्ट्रॉन तो मेंशन ही नहीं किए, तो ध्यान रखिएगा यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस दो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड में है, ये राइट हैंड साइड पे, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, कुछ बचा कहां बचा, तो दिख रहा है कहीं तो ध्यान रखिएगा कंप्लीट रिएक्शन या ओवरऑल रिएक्शन जो होती है, ओवरऑल रिएक्शन बोल लूं या कंप्लीट रिएक्शन बोल लूं, एक ही बात है, ठीक है,
एक ही बात, ओवरऑल रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन बोलो एक ही बात है, उसके अंदर कभी भी हम रिएक्टेंट शो नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा आ गया क्या, ये बात। तो ये तो हो गई कि भैया हमने क्या लिखा, रिएक्शंस या रिएक्शन एट एनोड या कैथोड या ओवरऑल रिएक्शन के बाद बात करेंगे। अब बात करेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डायग्राम, कि सेल डायग्राम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं या नीचे ले लेते हैं, ठीक है, नीचे ही हम ले लेते हैं, थोड़ा सा कवर हो जाएगा क्या। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डायग्राम, कि हम सेल डायग्राम को कैसे बनाएंगे। तो सुनिए, तो अगर मैं इसके अंदर अभी सेल डायग्राम की बात करूं कि भाई आप बोलें कि इस डैनियल सेल के लिए ये केमिकल रिएक्शन है, आप हमें क्या बनाइए, सेल डायग्राम बताइए इसका कैसे बनेगा। तो सुनो, वो कुछ ऐसा बनेगा, जिंक सॉलिड इस रिएक्शन में आओ, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सबसे पहले वो देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो वो मैंने लिख दिया, किस में हो रहा है इसमें, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इन दोनों को। अभी मैं इधर क्या लिख दूंगा, जिंक प्लस टू एक्वस, ओके, जिंक सॉलिड कन्वर्ट इनटू जिंक प्लस टू एक्वस, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर अगर मैंने इसमें, इस सेल में, डैनियल सेल में क्या सॉल्ट ब्रिज यूज में लिया है, यस बिल्कुल लिया है, आपको दिख रहा है ये रेड कलर का, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टू वर्टिकल लाइन से जो आपके सामने, कैसे, ऐसे टू वर्टिकल लाइन आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, इसका मतलब क्या है, ब्रिज सॉल्ट, वो ये रहा। नेक्स्ट, अब देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ये रहा, ये बोल रखा है भैया रिडक्शन लिख रखा है मैंने साफ साफ, तो देखो क्या है, कॉपर प्लस टू कन्वर्ट इनटू कॉपर सॉलिड एस, तो सेम पहले मैं ये लिखूंगा, कॉपर प्लस टू एक्वस, और फिर मैं क्या लिखूंगा, कॉपर सॉलिड, ये लीजिए, ये आपका क्या बन गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल डायग्राम, सेल डायग्राम, ये सेल डायग्राम हो गया किसका, डैनियल सेल का। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चंस में कि इसका सेल डायग्राम क्या होगा डैनियल सेल का, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा होगा। तो मैंने किया क्या है, एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं आपको ऐसे लिख के दे रहा हूं, ऐसे, ये ट्रिक आप ध्यान रखिएगा, क्या है, ओ का मतलब ओ ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन, और R का क्या मीनिंग है, R का मतलब है भैया रिडक्शन, क्या मतलब है R का, रिडक्शन, गॉट इट। तो हम जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ लिखेंगे, और जो रिडक्शन हो रहा है वो सॉल्ट ब्रिज के उस तरफ लिखेंगे। तो मैंने यही किया, सॉल्ट ब्रिज ये रहा, इसके इस तरफ क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन वाले केमिकल जो जिनमें चेंज आ रहा है, मोस्टली मेटल ही लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, वो मेटल जिनका क्या हो रहा है, रिडक्शन, जो रिएक्शन में पहले थे उनको पहले लिखा है, जो रिएक्शन में बाद में थे उनको बाद में लिखा है, फिर रिडक्शन वाले में आ जाते हैं, जो पहले था उसको पहले लिखा है, और जो बाद में था उसको बाद में लिखा है। तो क्या हो गया, ये सेल डायग्राम हो गया हमारा किसका, डैनियल सेल का, मैंने ट्रिक आपको बता दी है, ओके। अब बात करेंगे हम किसके बारे में, बिल्कुल सॉल्ट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, कि ये सॉल्ट ब्रिज जो है वो क्या काम आ रहा है, क्यों लगा रखा है इस ट्यूब को, यहाँ से यहाँ तक डिप कर रखा है, काम क्या है, फंक्शन, तो उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट, इट कंप्लीट द करंट, सॉरी सर्किट ऑफ सेल, ये क्या करता है, जो सर्किट है उसको क्या करता है, कंप्लीट करता है, सर्किट बना देता है ऐसे यूं करके, चलो अच्छी बात है, इसका फंक्शन है। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखिएगा कि मेन फंक्शन जो है उसका क्या है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी ये क्या करता है, जैसे भी सिस्टम न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे सारी चीज़ें होगी, तो एक टाइम के बाद में क्या होता है, ये सिस्टम न्यूट्रल हो जाता है। तो क्या करता है, हमने जो KCl या KBr आपने यहाँ पे फिल कर रखा है, वहाँ से देखो क्या निकलता है, यहाँ से इसमें से निकलेगा यहाँ पर Cl नेगेटिव, मैंने मेंशन कर रखा है, यानी इस तरफ सॉल्ट ब्रिज जो है वो एनोड पे, एनोड इस सॉल्यूशन के अंदर क्या रिलीज करेगा, Cl नेगेटिव, और इधर क्या रिलीज करेगा, यहाँ पे लिख रखा है कि यहाँ पे क्या रिलीज करेगा, K+ पोटेशियम आयन।
तो इससे क्या होगा, सिस्टम में क्या हो जाएगा, वापस न्यूट्रलिटी ब्रेक हो जाएगी और वापस ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। बहुत बड़ा यूज़ है, ध्यान रखिएगा। ओनली दोज आयनिक स्पीसीज शुड बी यूज इन सॉल्ट ब्रिज विच कैन नॉट बी अंडरगो केमिकल चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। आप स्क्रीन शॉट भी ले लीजिए। तो हम सिर्फ वो ही आयनिक स्पीसीज यूज में लेंगे जो कि क्या नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, विच कैन नॉट बी अंडरगो केमिकल चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन। यानी हमने जो रिएक्शन करानी है सिर्फ वो ही होगी। ये जो सॉल्ट ब्रिज का ये जो क्या है केमिकल है वो इसको बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं करेगा। ऐसे देगा, हाँ भाई कर लो, तुमको जो करना है, जब मेरी जरूरत होगी तुम बोल देना। कुछ ऐसा बिहेवियर होता है KBR का, यानी वो देखता रहता है, हाँ भाई कर लो तुम, हो गया तुम्हारा, अब हो गई न्यूट्रल हो गया सिस्टम, तो मैं एक आयन दे देता हूँ, वापस से स्टार्ट कर दो तुम्हारा गेम। बात समझ में आई? तो ये फंक्शन किसका है, इसका, किसका, इसका, और वो इसका क्या है, हमारा सॉल्ट ब्रिज जो हमने रेड कलर में यहाँ पे मेंशन किया। चलिए एक थोड़ी सी बात और बता देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगी लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, कि जो अभी मैंने सेल रिप्रेजेंट किया था, जिंक सॉलिड, जिंक प्लस टू एक्वस, टू वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स बिल्कुल सॉल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस टू एक्वस एंड कॉपर सॉलिड, यही था। ये हमारा क्या है, सेल डायग्राम। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जो कंसंट्रेशन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे देखेंगे तब हम कंसंट्रेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। किसकी कंसंट्रेशन लूंगा, इसकी, तो मैं इसको बोल देता हूँ C1 और इसको बोल देता हूँ C2। यानी जो आयोनिक फॉर्म में आपको दिख रहा है मेटल, ये रहा आयोनिक फॉर्म का मतलब चार्ज दिख रहा है, और ये रहा जिन पे चार्ज लग रहा है उनकी कंसंट्रेशन पार्टिसिपेट करेगी आगे, हम जब नर्न्स इक्वेशन यूज में लेंगे। जो न्यूट्रल है वो यूज में नहीं लेंगे, जो न्यूट्रल है उसको हम अवॉइड करेंगे, तो साइड में थोड़ा मूड ऐसा ही, हम ऐसों के साथ में बात करना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं जिनका मूड भी अच्छा रहता है, ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, हमने क्या करा, जो न्यूट्रल है उनको अवॉइड कर दिया, भैया तुम तो जाओ, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा, समझ रहे हो। और जो चार्ज अप थे हमने उनको ले लिया, टीम में अपन खेलेंगे, तो इनकी कंसंट्रेशन हम आगे काम में लेंगे, ठीक है। और एक बात देख लेते हैं इसके अंदर, बात ही कर रहे हैं तो, ये वाला जो पोर्शन है सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड वाला, मैंने आपको बोला था क्या है, रिडक्शन वाला है, तो मैं क्या बोलूंगा, रिडक्शन हाफ। और ये कौन सा हो गया, ऑक्सीडेशन हाफ। बात समझ में आ रही है कि, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए भाई, ठीक है। कई कमेंट्स आते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए आप साइड में नहीं होते, तो मैं यहाँ पे हो गया हूँ, ठीक है। चलिए इसी को और क्या बोलेंगे, और क्या क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ बोल दिया, और एनोड हाफ, और इसको बोलेंगे कैथोड हाफ। ये लीजिए, बात समझ आ रही है का, बिल्कुल। क्योंकि देखिए एनोड पे हो रही रिएक्शन, अभी रिएक्शन मैंने यहाँ से हटा दिए, हमने किस पे देखी थी, एनोड पे, तो एनोड हाफ हो गया। ये कैथोड पे हो रही थी तो कैथोड हाफ हो गया भैया, ये रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन हाफ हो गया, और ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेशन हाफ हो गया, कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें मैंने आपको डैनियल सेल के रिगार्डिंग यहाँ पर दी है, ठीक है। होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।